हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ। आज मैं दोस्तों आपसे बातें करूंगा ओआरएस के अबाउट, यानी जिसे कि इलेक्ट्रोल पाउडर भी कहा जाता है। ये ओआरएस क्या है, ओआरएस का यूज कब करने चाहिए, इसके क्या कंपोजिशन है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसके यूज नहीं करने चाहिए, और आप घर में इसके घोल को कैसे तैयार करेंगे, क्या क्वांटिटी होने चाहिए वाटर का, तो आइए आज बातें करते हैं ओआरएस के बारे में। ओआरएस WHO के द्वारा दिया गया एक फॉर्मूला है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया एक फॉर्मूला है। ओआरएस क्या होते हैं, इसके फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब आपके बॉडी में किसी भी कारण से वाटर इलेक्ट्रोलाइट लेस हो जाते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो ये ओआरएस उस वाटर इलेक्ट्रोलाइट को रीस्टोर करने का काम करता है। ये ओआरएस कब यूज करने चाहिए, जो लोग को बहुत ज्यादा दस्त हो गया हो, डायरिया हो गया हो, तो डायरिया और वॉमिटिंग के कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वाटर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशंस में आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस का यूज करने चाहिए। बातें करते हैं कि इसके क्या कंपोजिशन है, इस ओआरएस के पैकेट में क्या क्या मिले होते हैं। इसमें होते हैं, इसके कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और शुगर। ये है इसके कंपोजिशन। इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको माइल्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, बिकनेस आपको देखने को मिल सकता है, एपेटाइट लॉस यानी आपको भूख में कमी हो जाती है, सीवियर थर्स्ट, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगता है, ये ओआरएस के यूज करने से। ये है इसके साइड इफेक्ट। बातें करते हैं कि किन लोगों को ये ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का यूज नहीं करना चाहिए। किडनी के पेशेंट, जो किडनी के पेशेंट है उसे ये ओआरएस अवॉइड करने चाहिए। बीपी, जिसके हाई बीपी है, जो मेडिकेशन यूज करते हैं उसे ये ओआरएस का यूज नहीं करना चाहिए। हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज के पेशेंट को भी इसे अवॉइड करने चाहिए। बातें करते हैं प्रिपरेशन के अबाउट, कि इसके घोल को आपको कैसे तैयार करने चाहिए। तो सबसे पहले आप 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर लें, पीने का पानी 1 लीटर लें, जो कि आप उसे बॉयल कर दें, गर्म कर दें, और गर्म करने के बाद इसे ठंडे होने दें। ठंडे करके इसके ओआरएस के पैकेट को फाड़े और इसके सॉल्यूशन को उसमें 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर में डाल दें। विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको इसके यूज कर लेने। अगर इसके इसके ज्यादा जरूरतें होती है तो फिर आपको अलग सॉल्यूशन तैयार करने चाहिए। 24 घंटे के अंदर इसके यूज कर लेने चाहिए, जरूरत के अनुसार आपको फिर से ओआरएस का घोल तैयार करना पड़ेगा। तो ये है इसके प्रिपरेशन करने के मोड। अगर आपको बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा हो, उसके साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस, वाटर का इम्बैलेंस, अगर डायरिया बहुत ज्यादा है, दस्त बहुत ज्यादा है, तो आपको यहां पे वाटर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा ही। ये किसी भी एज ग्रुप के लोग इसके यूज कर सकते हैं। बच्चे में बहुत ज्यादा डायरिया देखा जाता है तो ना सिर्फ बच्चे ही इसके यूज करेंगे, जिनमें भी ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट किसी भी एज ग्रुप में अगर हो रहा हो, डायरिया दस्त हो रहा हो, तो आप यहां पे ओआरएस का यूज करें। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। आशा करता हूं ये आप लोगों को ओआरएस की जानकारी अच्छे से समझ में आया होगा। देन इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।